हुआ? कोई परेशानी है? नहीं नहीं, परेशानी होती तो हम ऐसे मुस्कुरा थोड़ी ना रहे होते। लेकिन दोनों बच्चिया अभी लौट के नहीं आई। तो कुंभ का मेले में थोड़ी ना गई कि खो जाएंगी, लौट जाएंगी। कहाँ चली गई दोनों? तंदी, और कितनी देर? अंधेरा हो गया, और देखना एक मच्छर तो ऐसे काट रहा है, इससे मोटी बुआ इसको सिखा कर भेजिए हमारे पास। ओ, तो अगर मच्छर से हार जाएगी तो शेर से कैसे लड़ेगी? हमको क्या जरूरत है शेर से लड़ने का? हम तो सिर्फ एग्जाम्पल दिए मास्टर जी जैसा। एग्जाम्पल नहीं, एग्जाम्पल। हाँ वही। ए बिंदिया, ए पायल, अरे पूरा गांव छान मारे लेकिन कहीं नहीं मिली। जमीन निकल गई, आसमान खा गया, पता नहीं भैया कहाँ चली गई दोनों। ए बिंदिया, पायल, ए बिटिया। बेटा भीम, अगर तुम खाली हाथ घर गए ना तो तुम्हारी बीवी तुम्हें कच्चा निकल जाएगी और डकार भी ना लेगी। ए बेटा देखो, तुम्हारे फूफा जी आए हैं। बेटा आ जाओ, हैं कोई तुम्हें परेशान ना करेगा, हम वादा करते हैं। आ जा बेटा। ए काओ, यहाँ तो बहुत अंधेरा है, वो दोनों तो बहुत डरपोक हैं, वो यहाँ नहीं हो सकती हैं। देखिए बहन जी, अब बहुत देर हो गया, अब हम लोग चलते हैं। आश्रम जाने में भी 3 घंटे लगेंगे। रुक जाइए रुक जाइए, इतना देर रुके हैं, 10 मिनट रुक जाइएगा तो क्या बिगड़ जाएगा आपका? भीम जी बच्चों को लेकर आते ही होंगे। 2 घंटा से आपका 10 मिनट 10 मिनट सुन रहे हैं, बात का है, साफ साफ बताइए ना। आपका ये 10 मिनट 10 मिनट के चक्कर में हमारा टाइम बर्बाद मत करिए। बात का ही रहेगी, हम आपको बोले ना, बच्चियाँ बहुत तेज संस्कारी है, ठंडा लेकर ही आएंगी। हाँ हाँ, संस्कार तो दिख ही रहे बच्चियों का। वो कहते हैं ना, गए बाजार हुए फरार। ऐसी लड़कियों को अपने आश्रम में रख के अनुशासन सिखाना कितना पापड़ बेलने का काम है हम ही जानते हैं, इसलिए कह देते हैं आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, मतलब डबल। और का? देखिए अब भीम जी आ गए, अब बैठिए बैठिए, हम बच्चियों को लेके तैयार करके आते हैं, बैठिए बैठिए। ये कौन रह गई दोनों चुड़ियाएं? अरे पता नहीं फुल्लू कहाँ चली गई हैं दोनों बहनें, हमने हर जगह ढूंढा, सबसे पूछा, पर किसी ने भी उनको नहीं देखा। ऐसे कैसे नहीं देखा, तो मिस्टर इंडिया है क्या? घड़ी लगाई, बटन दबाई, गायब हो गए, चाहिए पता लगाइए कहाँ है वो। क्या हुआ बहन जी, आपकी संस्कारी बच्चियां आपको झांसा देकर भाग गई का? ए भाई साहब, पैसा मिलेगा वो भी डबल, लेकिन हमारे सामने बात है ना, थोड़ा कम ही कीजिए। कहा है ना कि हम बहुत ही शांति प्रिय औरत है, ज्यादा सुन नहीं पाएंगे। कहा लगता है पन्नू कितना बचा होगा? हमका तो लगता है 9 बज गया होगा।
तुमको कैसे पता? तुम्हारे दिमाग के अंदर घड़ी बैठेगा? हमेशा घड़ी से ही समय तो ही ना पता चलता है। कभी कभी अंदाजा भी तो लगा सकते। चारों तरफ देख, तुम सन्नाटा, कोई भी नहीं। वो मर गई, वो मर गई, वो मर गई, वो मर गई, वो मर गई। कौन मर गई? वो मर गई, बिंजा की दादी मर गई। वो मर गई, बिंजा की दादी मर गई। रखेंगे तुम्हारा ख्याल। मुझसे अच्छी खबर है, तुम्हारी दादी अभी जिंदा है। अरे हम जाल बिछाए थे ना तुम चुईयों को फंसाने के लिए। अरे कुछ ज्यादा ही फुदक रही थी ना, तो बस गांव के दो चार लड़का को बोले कि जाओ जाके सारे गांव में हल्ला मचा दो कि बिल्लिया की दादी मर गई। अरे फिर का था, दो पैसे के लिए लड़के इतना हल्ला किए कि बस आ गई तुम दोनों पिलकते पिलकते। कहा है ना कि हम है ना वो बहुत ही ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसको, आजकल के फोन भी हो गए हैं स्मार्ट। स्मार्ट, तुम्हारी बुआ बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, और स्मार्ट लोगों को चकमा देना बच्चों का खेल नहीं है। चलो अब इनके साथ जाने का तैयारी चालू करो। ओ, वैसे भी तुम्हारे चक्कर में ना हम उनको एक्स्ट्रा खर्चा पानी भी दिए। चलो चलो चलो। बुआ बुआ, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हमें घर से दूर मत कीजिए। आप हमें जो बोलेगी हम सब करेंगे। हमें इस घर से और दादी से दूर मत कीजिए बुआ। हम रोज आपके हाथ पैर दबाएंगे, बाजार से सब्जी भी उधार लेकर देंगे, स्कूल में दे जाएंगे बुआ। प्लीज हमको घर में रहने बुआ, प्लीज। अरे चलो चलो, बहुत समय बीत गया, तुम्हारा सामान बांध के रखा है, बाद में ये मत बोलना बुआ ने तो मेरा सामान नहीं रख लिया। चलो दादी, दादी देखो ना बुआ क्या कह रही, समझाओ ना उन्हें दादी, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते दादी। अरे चुपचाप चलो, ये तो ऐसी जगह भेज देंगे ना जहाँ से कभी लौटे ही नहीं पाओगे। चलो चलो बुआ, हमको दादी की जरूरत है और दादी को हमारी, हम उनके बिना नहीं रह सकते बुआ। अच्छा, पहले तुम्हारी दादी हुई कि हमारी अम्मा? हमें नहीं पता कि हमारी अम्मा को क्या चाहिए और क्या नहीं। अरे चलो बहुत देर हो गई, चलो उठो। वो अब दादी के बिना नहीं रह सकते। अरे दूर मत करो। अरे चलो दादी, चलो दादी, चलो वो घर से दूर मत करो दादी। हमको दादी से दूर मत करो, इस घर से और दादी से दूर मत करो। जाओ। चलिए अब बच्चियां आई गई हैं, तो पैसे भी दे ही दीजिए। ये क्या है, सिर्फ 1000 रुपए? पूरा दिन बर्बाद कर दिया और ये सिर्फ 1000 रुपए? बात तो डबल की हुई थी ना, ये तो आधे से भी कम है। एक काम करो, दोनों बच्चियों को छोड़ दो और चलो यहाँ से।
रुकिए रुकिए। अरे गुस्सा ना एकदम आपके नाक पे ही रहता है। अब घर देखिए और बताइए क्या लगता है आपको कि हमारे पास क्या यहाँ कुबेर का खजाना गड़ा है। अरे इतनी गरीबी में 1000 रुपए भी कैसे जोड़े हम ही जानते हैं। एक बच्ची को पूरे साल पालने का क्या खर्चा आता है हम ही जानते हैं। उसके हिसाब से आपसे कोई डिमांड नहीं किए हैं। अरे हम अपनी बूढ़ी अम्मा की कसम खा के आपको कह रहे हैं और पैसा नहीं है हमारे पास। कोई गहना जेवर तो होगा घर में। अच्छा याद दिला, आप पकड़िए इसे, हम लेके आते हैं। बुआ को समझाइए ना, हम इस घर को छोड़ के नहीं जा सकते। हम दादी को नहीं छोड़ सकते बुआ जी। हम इस घर से दादी से दूर मत करो। हे राम, ये तो बहुत ही हल्का है। ठीक है ना, रख लो। आप वो चेन वापस कर दीजिए, वो अपनी माँ का चेन है। अब ना तो ये चेन मिलेगा और ना ही तुम दोनों को यहाँ वापस आने मिलेगा। लेकर चलो दोनों को। अरे चैन बेचने के लिए है, तुम्हारे सिंगार करने खातिर नहीं। हाँ तो ई कोनो नौलखा हार नहीं है, जब तुम्हारी जान जा रही है, जब बेचना होगा तो बेच लेना। वैसे भी तुम्हारे पॉकेट में रहने से ज्यादा सुरक्षा हमारे गले में है। पल्लू डरना मत, हमें ना तेरे साथ कुछ नहीं होने देंगे तुझे। अलट पलट चलट करके सब ठीक हो जाए। मक्खी की तरह गायब नहीं रह रही है, हम इधर चुप नहीं बैठ सकती है। समझ के रखा क्या? अरे इस टाइम रोड पर गाय चराने का क्या मतलब? और अगर चराना ही है तो जाके खेत में चराओ ना, यहाँ रोड पर जाम क्यों लगाए हुए? चलो साइड करवाओ गाय सबको। कौन सा साइड? ये हमारी गैया गाय वाया कुछ नहीं समझती। एक काम करो, तुम अपना ऑटो साइड में कर लो। चलो ए
हमको उल्टा जवाब देगा। जैसा सवाल पूछेगा वैसे ही जवाब मिलेगा ना। अरे इस दूधू के वजह से इतना देरी हो गया है, ये का तमाशा हो रहा है यहाँ। चुपचाप गाय को साइड करो। अने करता जा। ए, बोल रहा हूँ बॉय को साइड कर। जाके देखते इनको। साइड कर, गाय को साइड कर। हेलो, भाग, अलर्ट, अलर्ट, चलत। लड़की अब बहुत हो गया तेरा नाटक, अब तो तुम्हारी बहन भी चली गई। अब बताता हूँ तुम्हें। ए, चैन दे अपनी। चलो। ए, चैन। ये बच्ची आपकी है का? हाँ, मेरी बच्ची है। बड़ी शरारती है, देखो ना गाड़ी से कैसे कूद के भाग आई। ये तो का हुआ, ये माँ माँ तो है जो इन बच्चों पर बुरी नजर डालेगा तो ये मामा उनको काना कर देगा। का कर देगा? अकाना। अरे आराम से, आराम से, हाँ आराम से। चुप करो चाचा। ये सब क्या चल रहा है यहाँ? बहन जी तो आप पिछड़े रही है, का है ना कि हम औरत जात पर हाथ नहीं उठाते। अब जरा हम भी देखते हैं कि कौन माइक का लाल ये बच्चों को यहाँ से लेकर जाता है। मामा, वो हमारा बैग। अच्छा लो। मामा, माँ का चेन। हाँ देते देते। अब देख कर रहे हो भाई? हाँ और कुछ चाहिए का? निकल भाग। अरे भागो। भाग। भाग। मामा। अरे बैठो 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 बैठो। हमको तो भूल ही गए तुम लोग। पापा चुप करता, मत कर।
नहीं रहा था। मामी तुम फूलों का बगान होगा? बगान नहीं इंसान है, पर ऐसा कहे पूछी? कहे कि तुम हमेशा फूलों की तरह गमकती हो। सच में मामी एकदम परी जैसी दिखती हो तुम। तुम दोनों भी कोनो परी से कम हो का? अब बस 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 सारी बातें तुम लोग हिया कर लो का, अब घर चलो भाई, अहुआ चल के एक दूसरे की तारीफ कर लेना। घर? हाँ घर। हमको डर लग रहा है मामा। डरने का है बात, जब मामा है तुम्हारे साथ आए। अब सब कुछ यही समझाएंगे कि गाड़ी में भी बैठेंगे। गाड़ी? हाँ, गाड़ी। चलो। अब बैठो गाड़ी के अंदर। आपका गाड़ी तो बहुत ही बढ़िया है। बाद में अभी चलो। मामी तुम हमें सबसे अच्छी लगती हो, हमारी फेवरेट हो तुम। अरे वाह पल्लू, तुमको तो अंग्रेजी भी आती है। अरे अरे बाहर कहे झांक रही, अंदर बैठो। अंदर आ जाओ, बाहर मत झांको। अब भाई करने तो भाई इन लोग को मस्ती है। अब ऐसे भी खाली रोड है, कुछ नहीं होगा। बिचारी बहुत कुछ झेले अपनी जिंदगी में, हंसने दो इन्हें खुल के। अब खुल के आसो भाई, अब मस्ती करो। उठाइए अपनी बूढ़ी सासू माँ को। बिंदी, बिंदी। बुढ़ापे में जो भगवान राम का नाम लोगी तो स्वर्ग का द्वार खुलेगा। आई बिंदी पल्लू का जाप करने से कुछ नहीं मिलने वाला। कौन बोला था चारपाई से उठने के लिए उम्र में? खुद गिर गई, हमको तकलीफ देती, अच्छा लगता है का? ए भगवान, इस उम्र में ऐसी सासू मां, दे हमें न जान, बनने चले पहलवान। चलिए उठाइए इनको अब। फुल्ला तुम ठीक? अम्मा हाथ छोड़ो अम्मा, हम तुम्हें उठाते हैं। अरे अम्मा अम्मा, अरे हिलना मत यहाँ से। कहा है कि तुमको एक बार फिर उठाना पड़ गया ना तो हमको खुद ही चारपाई पकड़ना पड़ेगा। बिंदी पल्लू का सालों बाद अपनी बेटी का मुंह देखी हो, फिर भी मुंह पे तो पोती का ही नाम आया। अरे एक बार पूछ ही लेती, फूलवती कैसी हो, दामाद जी कैसे हैं, तुम्हारी बिटिया कैसी है। लेकिन नहीं, तुम्हारे लिए सबसे पहले बेटा था, फिर बहू, और उसके बाद पोतिया। हाथ जोड़ते फूलवती, बिंदी पल्लू को बुला ले। ना तो दोनों लौट के आएंगी और ना ही तुम्हारी जवान पे उन दोनों का नाम वापस आना चाहिए। ना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। दादी, दादी, दादी।